वहां से आज का व्लॉग स्टार्ट करने लगे हम। उम्मीद करते हैं सबसे पहले इधर आए, वहां से इंग्लैंड आए, मुझे लगता फेस अच्छा नहीं आएगा। हाँ जी अच्छा आएगा फेस। और ये मान ये वाली लाइट्स ऑन करो, जरा इधर वाली भी सारी लाइट्स ऑन कर दो, जल्दी से ऑन करो। चलो अब कुछ रोशनी बेहतर लग रही है ना, थोड़ी बहुत रोशनी बेहतर लग रही, असल में धूप शूप नहीं निकली। अकेली ये थोड़ी सी आगे नहीं आएगी रिंग लाइट, थोड़ी सी आगे ले आओ ना, जल्दी से लाओ, थोड़ा सा आगे कर लो, इससे थोड़ी रोशनी बेहतर हो जाएगी इससे जो है ना। चलो आओ मैं व्लॉग स्टार्ट करूं, आज जो इनको दिखाऊं सबको, पकड़ो कैमरा, मेरा कैमरा मैन आज का ईमान बनने लगी है कि सुभान बनेगा, ईमान आप ही बनेगी। चलो ईमान जल्दी से आप पकड़ लो कैमरा। चलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जो लोग चैनल बनाए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसलिए कि मैं आज लोग आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार अपना किचन लेके आई हूँ, किचन टूर आप लोगों को करवाने लगी। बड़े लोगों की फरमाइश थी, टिकटॉक पे भी लोगों कमेंट्स करते थे आपका किचन बड़ा खूबसूरत है, आपका किचन खूबसूरत है, खूबसूरत किचन के पीछे क्या क्या राज होते हैं वो सारे आज मैंने आप लोगों को दिखा रहे। सबसे पहले तो मेरे घर की ये सीढ़ी है जहां से मैं टप टप करके ऊपर आऊंगी, साथ लगी ये लैन जूतों की वो आप लोगों को वाजे दिखाऊंगी, और इग्नोर माई जूती नीचे, इसलिए कि हम किचन में ऐसी जूती नहीं पहन के जाते जो बाहर से यूज की जाती, किचन में हमारी जूती यही होती है, जो वॉशरूम में जूती यूज होती है वो मेरे पुथारे पे नहीं लाना, इधर ले आओ तुम। अब जी हम जो जूती है ना यहाँ पर चेंज करने जा रहे हैं, सुबह मेरी जूती लेके आ गए, अब जूती हम चेंज करने लगे हैं, पता नहीं सुबह ने क्यों चेंज करवाई है, लेकिन यही जूती हम किचन में पहन के जाते हैं, ये मुझे नहीं पता सुबह एमिशंसी हमारा है व्लॉग में आने के लिए, सिर्फ और कोई वजह नहीं है। और ये है जी मेरा किचन स्टार्ट होने के लिए, साथ पहले मेरा रूम आता है जो बेड रूम है ब्लू वाला, इसको हम आज आपको टूर नहीं करवाएंगे और हम आज आपको किचन का टूर करेंगे। ये है मेरी प्यारी सी फ्रिज जो मेरे हस्बैंड की बहुत ही प्यारी यादें हैं इसके साथ, चाहे वो नीचे से टूट गई है लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं हमने इसके साथ ही जीना है, इसके साथ ही मरना है, जो मर्जी कर, कहते हैं इस फ्रिज को कभी भी नहीं हमने सांस होना, जन्म जन्म जो साथ निभाए तुम ऐसा बंदर बन। फ्रिज चल तो सही नहीं, हमको मारो, हमको जिंदा मत, चल रही है मैं करंट खा कर मर जाऊंगी। और मैं आपको नीचे बैठ के तसल्ली से दिखाती हूँ, फ्रिज के नीचे ये जो है ना हमने बैटरी लगाई है, और बैटरी के ये जो फ्रिज का ये सही है टूट गया, हमारे पास कोई चीज नहीं होती हम रखने के लिए, और हम घर की जो इजाफी जूतियां है ना वो यहाँ पर रखते हैं, और बच्चों के जो शूज पॉलिश करने का ना वो भी यहाँ रखते हैं, आप भी मेरे साथ बैठ गई। और इसके साथ साथ जी अब हम जा रहे हैं अपने शोकेस की तरफ, और इसके ऊपर जी मेरा एक अदद फोन पड़ा है, ये पड़े हैं जी साग शलजम, और ये पकाने के लिए रखे हुए हैं, कभी भी पक सकते, हफ्ते की सब्जी आई थी और इतनी सारी आ गई थी कि जो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं आ रही। साथ पड़े हैं जी यहाँ पर कुरान पाक बच्चों के सिपारा पढ़ने के लिए, ईमान थोड़ा सा कैमरा आप दूर ले जाए, और मेरे फेस के फूल करीब ला रहे हैं, मेरे मुंह के अंदर कर दे कर दे कर दे मेरे मुंह के अंदर कर दे। और इसके अलावा जी इधर है हमारे शादी के बर्तन, शादी के बर्तन, और जो इसमें से टूट भी गई है, निकलते भी है, टूटते भी हैं, और आते भी हैं और जाते भी हैं, ये पत्थर का डिनर सेट, ये शीशे का डिनर सेट, ये चीनी का डिनर सेट, और ये डिनर सेट ही डिनर सेट यहाँ पर। और इसके साथ साथ जी हम आ गए, वेलकम टू सुभान के पैर के ऊपर ईमान का पैर आ गया जी, वेलकम टू माई किचन, ठीक है, जिसमें जी हमारे घर में गैस नहीं आती, ये चूल्हा हमने लगाया है यहाँ पर सिर्फ एक नुमाइश के तौर पर, क्योंकि इधर गैस नहीं आती, हम सिलेंडर का यूज करते हैं, गैस अगर आए भी तो बहुत रात को आती है वरना नहीं आती, लेकिन ये चूल्हा आपको ऊपर से देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसके राज में आप लोगों को दिखाती हूँ, आप मेरे साथ आए कैमरे को लाए, आप मेरे साथ ले गए कैमरे को, ये आपसे नहीं होगा ये मैं दिखाती हूँ, ईमान सुभान अल्लाह, खुल जा सिम सिम, थोड़ा सा पीछे जाए, पीछे जाएंगे तो मैं साथ नजर आऊंगी। और ये है हम बैठे हैं, दिखाओ कैमरा लाओ, किचन के चूल्हे के नीचे जो असरात हैं, ये चूल्हा इस तरह से गल गया है, सड़ गया है कंट्रोल, और हम जो है ना अब कैमरा यहाँ से पकड़ो, इस चूल्हे की नुमाइश करते हैं, और उसके साथ साथ इसके साथ साथ इधर इधर ही है, इसके साथ साथ इधर ये दालों वाले डिब्बे हैं,
इसके साथ साथ जी ये राशन वाला पतीला है जिसके अंदर जी हम राशन रखते हैं अपना सारा जो आता है मंथली। इसके साथ ये पांडे या पतीलियां जो के हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ जी ये है हमारा, ये हमारा डस्टिंग वाला कपड़ा जिससे हम ये स्लैब है साफ करते हैं और इसको हम सर्फ डाल के फिर धो के खुश्क करने के लिए डाल देते हैं। और मेरे घर पे हेल्पर नहीं है, मैं खुद हेल्पर हूँ, बहुत बड़ी हेल्पर हूँ, अगर किसी को जरूरत हुई तो मुझे बुला सकता है। उसके बाद है ये हमारा खलारा पीछे से दिखाओ, पीछे से ये है हमारा खलारा, ये हमारा बेसन, इसका है ये पाइप गंदा तरीन हो चुका है, इसको साफ करने के लिए रिजवान के पास टाइम नहीं और मैं इसको कर नहीं सकती, मेरे हाथ पे डर्ट डर्ट लगेगी, ठीक है। और उसके बाद ये है ये हमारा प्रेशर कुकर जिसमें जी शजेब खाना खाता है, प्रेशर कुकर का पतीली का खाना उसको पसंद नहीं आता। और जी इसके साथ साथ जी है हमारा सिलेंडर, इसके बगैर हम चाय नहीं पी सकते, इसके बगैर हम खाना नहीं खा सकते, चाय जो मैं पीती नहीं हूँ। जग है और इसके बाद ये है और कुछ स्टील के बर्तन है जो यूज करने होते हैं लेकिन हमने रखे जरूर है, इसलिए अब हम इस कैबिन को करते हैं बंद। उसके बाद हम इस कैबिन की तरफ आते हैं, ये है टूट गया ईमान ले गया, ये है टूटा कैबिन, ये किसी जमाने में ऐसे जुड़ा होता था लेकिन अब इसको हमने तोड़ के इसको हमने एक साइड पर रख दिया, बस एक ही हमने रखा है दिखाने के लिए कि ये हमारे घर में क्या बन रहा है। और ये क्या बन टूटा है जिसमें हमको फर्स्ट टाइम नहीं निकला आज तक इसको सही करवाने का। आज इसके बाद ही हम खोलते हैं, इसके बाद आ गया नीचे छान बुरा रोटियां वाला और ये चावल वाला डिब्बा, आटे वाली बाल्टी और प्याज वगैरह का चिक्कू, ऑयल और घी और ये तवे, दो हमारे नॉन स्टिक का तवा और दूसरा तवा, कुछ नॉन स्टिक के पराठा खाते हैं और कुछ सिंपल तवे का, थक गई हूं मैं बार बार के। चुप अब जी ये है हमारा, नहीं ये हमारा ओवन प्यारा सा, इस ओवन को तकरीबन 7-8 साल हो गए और इसके अंदर हम चीजें गर्म करते हैं। और ये है मेरा बहुत प्यारा टिश्यू, जब कुछ कुकिंग वगैरह करो तो फिर उसके बाद जो हाथ वगैरह साफ करनी हो तो इससे करती हूँ मैं, जैसे कि फिश वगैरह चलता उसको, फिश के बाद ही हैंड वगैरह फिश के नीचे रखने के लिए, कुछ भी ऑयली हम चीज ऑयल सुबह कुछ भी करते हैं, कुछ खाते हैं आपके नहीं, मुझे नहीं लगता सुबह कुछ खाता होगा। और उसके बाद ये आ गया हमारा क्या बर्तनों वाला स्टैंड, ये मैंने लिया था बड़े शौक से रमजान में, जो लोग रमजान के ब्लॉग देखते थे उनको याद होगा ये मैंने रमजान में लिया था, इसलिए लिया था कि बर्तन निकालने रखने रखने निकालने बस इसी में लगे रहते थे, ये बर्तन सामने होते थे नजर आते थे चलिए ये फटाफट से इस्तेमाल हो जाते, या प्लेटें है ये रोटी वाला टिफिन है बस। और फिर हम आते हैं ऊपर वाले कैमरों के खिलाड़े की तरफ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ, अगर सुबह आपने मेरा कैमरा बिल्कुल अच्छा ना चलाया तो मैं आपको फिर गोली छोड़ाऊंगी। ये खुल जा सिम सिम, ये है 9 इंचों के डिब्बे, चीनी का डब्बा, गर्म मसाले और ये सब कुछ है। और उसके बाद ये चम्मच चुम्मच सारे चिक्कू शिक्कू ये सब कुछ। और उसके बाद ये आ गए है जी हमारे ये कटोरिया है, ये माल्टे का जूस निकालने के लिए जो आज तक हमने नहीं निकाला, हम इसी को यूज करते हैं अपने। उसके बाद ये ऊपर आ गए हैं गिलास जो यूज होते हैं किचन में ज्यादा, जो हमारी छोटी सी फैमिली है यही यूज होते हैं, वो ये सामने होते हैं वॉश करके रखे गए होते हैं, और अगर कोई मेहमान गेस्ट आ जाए इमरजेंसी में तो हम यहाँ से फटाफट से निकाल लेते हैं अगर शोकेस में जाना ना पड़े तो। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं जी, यहाँ पर आए हैं ये कुछ हमारे मसालों के डिब्बे हैं और कुछ ये कपड़े हैं, और इधर एक एक चीज हो रहा है, इधर खास चीज है किचन की लाइट चलाने के लिए कोई जगह नहीं हमें मिली, कोई स्विच नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, इस वजह से हमने जो है इस कैबिन के अंदर जाके इस कोने के अंदर स्विच रखा, स्विच नजर आ रहा है आप लोगों को, वो स्विच मैंने इस दर रखा, ठीक है। ये आप लोगों को मेरा खूबसूरत सा किचन, और किचन से ऐसे ही हम बाहर आते हैं, और साथ ही ये मेरा प्यारा सा डाइनिंग टेबल है जिसपे हम लोग खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं खाते बहुत कम भी नहीं खाते लेकिन खाते जरूर हैं। और ये है कि जब से सर्दियां स्टार्ट हुई हैं इस पे सिर्फ नाश्ता होता है, रात का खाना इधर नहीं होता, रूम में ही होता है, रूम का टूर जो लोगों को आज का भी लोग अच्छा लगे वो बताएंगे तो फिर मैं उनके लिए रूम का टूर भी करवा लूंगी, ठीक है। अभी ये मेरा डाइनिंग टेबल है, और इस तरह से आप लोग जाके थोड़ा कैमरा पीछे लेके जाओ, अब मेरा इनको प्यारा सा किचन नजर आ रहा है, प्यारा सा किचन, यस हाँ
यस यस नजर आ रहा है भी अब ने और ये सारा मैंने ब्लैक पत्थर लगवाया था, इस वजह से लगवाया था, मेरी ख्वाहिश थी। पहले किचन बहुत छोटा था सीढ़ी के नीचे, अब मैंने किचन को जब हमने घर थोड़ा साल से बनाया, तो अगली स्टोरी भी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, जिसको ये स्टोरी अच्छी लगेगी वो अगली भी स्टोरी सुनना पसंद करेगा। जो वीडियो के नीचे एक पहला कमेंट करेगा ना प्यारा सा, उसका नाम लूंगी नेक्स्ट व्लॉग में और उसका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और फिर वो ख्वाहिश करेगा मतलब घर टूर करवाने की, बेडरूम टूर करवाने की, या मैंने जो भी मतलब मेरे घर पे सेटअप है जिस तरह का भी है मेन सारा मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी, कमरा नहीं दिखाना, कमरा नहीं दिखाना। और अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दे, सेकंड न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओका। व्लॉग एंड हो गया, मुझे एक चीज़ भूल गई थी, ये मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं कि मेरा डिस्पेंसर भी है किचन के बिल्कुल साथ साथ ही, हमने यहाँ पर डिस्पेंसर रखा है और इस पे जी बोतल लगी होती है, इसको हम यूज़ करते हैं, इसमें हम पानी पीते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, सारा मैंने टूर करवा दिया था पानी उस इसमें भी। और फ्रिज में तो पानी नहीं रखा जाता, गर्मियों में भी रखा जाता है, सर्दियों में भी रखा जाता है, फ्रिज में बस दूसरी चीज़ें जाती हैं। बाकी ये है टाटा।